जब मैं अवसरों की चर्चा कर रहा हूं तब महाकवि मैथिलीशरण गुप्त जी की कविता को मैं उद्घोषित करना चाहूंगा। गुप्त जी ने कहा था, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। अवसर तेरे लिए खड़ा है, फिर भी तू चुपचाप पड़ा है। तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, तेरा कर्म क्षेत्र बड़ा है, पल पल है अनमोल, पल पल है अनमोल। अरे भारत उठ, अरे भारत उठ, आंखें खोल। ये मैथिलीशरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं सोच रहा था इस कालखंड में 21वीं सदी के आरंभ में अगर उनको लिखना होता तो क्या लिखते। मैं कल्पना करता था कि वो लिखते, अवसर तेरे लिए खड़ा है, अवसर तेरे लिए खड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, तू आत्मविश्वास से भरा पड़ा है, हर बाधा हर बाधा हर बंदिश को तोड़, हर बाधा हर बंदिश को तोड़। अरे भारत, अरे भारत, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़, आत्मनिर्भरता के पथ पर दौड़। आदरणीय सभापति जी, कोरोना के दौरान किस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां बनी, कोई किसी की मदद कर सके ये असंभव हो गया। एक देश दूसरे देश को मदद न कर सके, एक राज्य दूसरे राज्य को मदद न कर सके, यहां तक कि परिवार का एक सदस्य दूसरे परिवार की सदस्य की मदद न कर सके, वैसा माहौल कोरोना के कारण पैदा हुआ। भारत के लिए तो दुनिया ने बहुत आशंकाएं जताई थी, विश्व बहुत चिंतित था कि अगर कोरोना के इस महामारी में अगर भारत अपने आप को संभाल नहीं पाया तो न सिर्फ भारत लेकिन पूरी मानव जात के लिए कितना बड़ा संकट आ जाएगा, यह आशंकाएं सबने जताई। करोड़ों लोग फंस जाएंगे, लाखों लोग मर जाएंगे। हमारे यहां भी डराने के लिए भरपूर बातें भी हुई। अरे ये क्यों हुआ ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि एक अननोन एनिमी क्या कर सकता है किसी को अंदाज नहीं था, हर एक ने अपने अपने तरीके से आकलन किया था। लेकिन भारत ने अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए एक अननोन एनिमी से, और जिसकी कोई पूर्व परंपरा नहीं थी कि ऐसी चीज को ऐसे डील किया जा सकता है, इसके लिए ये प्रोटोकॉल हो सकता, कुछ पता नहीं था। एक नए तरीके से नए सोच के साथ हर किसी को चलना था। हो सकता है कुछ विद्वान सामर्थ्यवान लोग उनको कुछ और विचार हो सकता है, लेकिन था ये कि एक अननोन एनिमी था, और हमें रास्ते भी खोजने थे, रास्ते बनाने भी थे और लोगों को बचाना भी था। उस समय जो भी ईश्वर ने बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिया इस देश ने, उसको करते हुए देश को बचाने में भरसक काम किया है। और आज दुनिया इस बात का गर्व कर रही है कि इस वाकई भारत ने दुनिया के मानव जाति की रक्षा करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है।